क्यों? ओ, हिला डाला ना। तो क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मूवी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सचिन फॉर यू में। तो भाई 2023 खत्म होते होते बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जैसे चार चांद लग गए हों, क्योंकि जवान, पठान, एनिमल, गदर 2 जैसी फिल्मों ने 2023 का हैप्पी न्यू ईयर पहले ही सेलिब्रेट कर लिया है और मुझे लगता है 2024 भी इससे स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फाइटर, सलार, डंकी, कल्की, सेक्शन 108, एलएसडी 2, सिंघम अगेन, जिगरा जैसी मूवीज हम दर्शकों के मनोरंजन के लिए बेताब हैं। और ससुरा हम भी बहुत बेताब हैं कि कब ये मूवीज रिलीज हो और इन मूवीज से जुड़े चटपटे रिव्यूज कब हम आपके सामने लाए, इसके लिए हम बेकरार हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर एक एयर एक्शन फिल्म फाइटर मूवी का, जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। वायकॉम 18 स्टूडियोज तले ये फिल्म बनाई गई है। इसका बजट लगभग 250 करोड़ का बताया जा रहा है और हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 250 ही नहीं बल्कि उससे दुगना तिगना एंटरटेनमेंट हम सभी को दे। बन जाएगा। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वॉर, पठान, बैंग बैंग, सलाम नमस्ते, अनजाना अनजानी जैसी मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइटर मूवी को किस अंदाज में वो 70mm की स्क्रीन पर लाते हैं। टीजर को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसमें ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर तक सभी का रोल अपीयरेंस प्रॉमिसिंग लग रहा है। यहाँ इस फिल्म के सिग्नेचर क्लिप्स सुर्खियां बटोर रही है, वही इस फिल्म में यूज किए गए VFX की क्वालिटी पर जमकर टिप्पणियां हो रही है। बताया ये भी जा रहा है कि फाइटर मूवी टॉम क्रूज की टॉप गन का रीमेक है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन फिल्म के विजुअल्स देखकर तो यही लगता है। शायद आप सभी को पता ही होगा कि सिद्धार्थ आनंद ने एक बार ऐसी ही गलती कर दी थी, जहां उन्होंने टॉम क्रूज की नाइट एंड डे का रीमेक बनाकर बैंग बैंग के रूप में जनता की थाली में परोस दिया था। खैर जो भी हो, लेकिन ऋतिक रोशन का किसी फिल्म में होना उस मूवी की कामयाबी मानी जाती है। उनका स्क्रीन अपीयरेंस, स्टाइल, डांस के तो लोग दीवाने है ही, लेकिन उनके आर्मी अटायर को जनता ने काफी पसंद भी किया है। अभी तक आप सभी ने ऋतिक रोशन को जमीन पर फाइट करते हुए देखा होगा, लेकिन अपने सीट बेल्ट्स बांध के रखिए क्योंकि अब वक्त है उन्हें आसमान में लड़ते देखना। बस आशा करते हैं कि ये हॉलीवुड का सस्ता रीमेक ना बने, क्योंकि महंगाई वाले आदि पुरुष से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। सही बात है। बात करें दीपिका पादुकोण की तो इसमें काफी बोल्ड लुक में नजर आई हैं और स्क्रीन पर ऋतिक और दीपिका की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। वेल, टीजर देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो चुका है दोस्तों, और ट्रेलर अभी आना बाकी है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऋतिक फैक्टर इस मूवी के फाइटर जेट को किन किन ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बस एक ड्रॉबैक इस मूवी का मुझे ये लगता है कि पॉलिश्ड वीडियो गेम के जैसे VFX की जगह इसको रॉ रखते तो और भी अच्छा होता। तो आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आगे के मूवी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।